ओम शांति। 4 मई, साकार मुरली। मीठे बच्चे, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, देवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। प्रश्न, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट न करे। उत्तर, यह संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं, यह स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट न करे। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस न हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। ओम शांति। बच्चों को यह तो मालूम है कि यह बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। यह कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो उनसे मनुष्य डरते हैं, कहां श्राप न दे देवे। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, बच्चों को कभी डरने की बात नहीं। बाप से डरते वह है जो खुद चंचल होते हैं, वह लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं। यहाँ तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करते हैं, समझाते हैं, अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाप तो समझाने देते हैं आगे के लिए सुधर जाए। बाकी ऐसे नहीं कि बाप नाराज होते हैं, बाप तो समझाते रहते हैं। बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो, साथ साथ चक्र को बुद्धि में रखो, देवी गुण धारण करो। याद है मुख्य, बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, वह है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ देवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण, छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं है, और ही सीखते हैं। वहां सतयुग में तो सीखना नहीं होता है, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। बाबा गरीबों की बात करते हैं, साहूकारों के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है, उनको ज्ञान की दरकार नहीं, यह तो पढ़ाई है। टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे, तो बाप गरीबों की बात करते हैं, कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं, माँ बाप को सब देखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। यह रूहानी बाप कहते हैं, मैं भी गरीब निवास हूँ, समझाता हूँ, देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत है, तमोप्रधान दुनिया है, तमोप्रधान की भी कोई हद होती है ना। 1250 वर्ष तो कलयुग को हुए, एक दिन भी कम जास्ती नहीं। दुनिया जब पूरी तमोप्रधान हुई तब बाप को आना पड़ा। बाप कहते हैं, मैं ड्रामा अनुसार बंधाई मान हूँ, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे, बड़े बड़े घर की बच्चियां भागी, कुछ भी ले नहीं आई, कितना हंगामा हो गया। ड्रामा में जो होने का था वह हो गया, ख्याल भी नहीं था ऐसे होगा। बाबा खुद वंडर खाता था, क्या हो रहा है, इनों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है, यह भी ड्रामा में नोंद है। बाबा ने सबको कह दिया, चिट्ठी लिखाकर ले आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। फिर उन्हों के पति लोग विलायत से आ गए, वह बोले विष दो, यह कहे हमने ज्ञान अमृत पिया है, विष कैसे दे सकते। इस पर इनों का एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्रों में फिर कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, कृष्ण की तो बात हो न सके, तो यह सब ड्रामा में नोंद है, नाटक में यह सब होता है, हंसी कुड़ी आदि आदि। यह तो दोनों बाप कहते हैं, हमने कुछ भी नहीं किया,
यह तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे आ गए, अभी वह कितने बड़े बड़े हो गए हैं। बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियां ले आई, फिर जो उनसे भाग गए उनका वह नाम तो है ही नहीं, फिर पुराना नाम शुरू हो गया। इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो। वहां भक्ति होती नहीं, यह नॉलेज है समझने की, है भी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर, सारा सागर साही बनाओ, जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो न सके। और फिर है भी सेकंड की बात, अल्लाह को जान गए हो तो बेबादशाही जरूर मिलनी चाहिए। तो वह अवस्था जमाने में अर्थात पतित से पावन होने में मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो, इसमें है मेहनत। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु किसी की तकदीर में नहीं है तो टीचर भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाएंगे ऐसे तो नहीं रिश्वत लेकर पास कर देंगे, यह तो बच्चे समझते हैं। ये बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, ढेर बच्चियों के चिट्ठियां आती हैं बाप दादा के नाम पर, शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, बाप से वर्षा लेते हो इस दादा द्वारा। त्रिमूर्ति में है ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो वह बाप ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, वह तो सभी आत्माओं का बाप हो गया। आत्माएं सभी भाई भाई है, फिर बहन भाई होते हैं। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया, जैसे बिरादरी का सिजरा होता है ना, यह है बेहद का सिजरा। आदम और बीबी, एडम और ईव किसको कहते हैं, ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया है, सारा झाड़ जड़े भूत हो गया है, फिर नया चाहिए। इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर्स है, एक न मिले दूसरे से, हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक न मिले दूसरे से। यह बहुत गुह्य बातें हैं, छोटी बुद्धि वाले तो समझ न सके, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी है, परमपिता परमात्मा भी छोटी बिंदी है, यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। बाप दादा दोनों का इकट्ठा पार्ट बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने यह रथ बड़ा अनुभवी लिया है, बाबा खुद समझाते हैं यह भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है, हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवे तो क्या समझते हो। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़ी समझते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे, अभी तुम बच्चे समझते हो तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं, कोई राजा के घर जन्म लेते हैं तो जैसे कि लॉटरी मिली ना, कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़े कहेंगे। यह है सबसे ऊंची लॉटरी, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है, सन्मुख बैठे है ना, इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने आते हो ड्रामा अनुसार। बाप कहते हैं मैं तुमको जो सुनाता हूँ
वह धारण करना है। यह ज्ञान भी तुमको अभी मिलता है, फिर प्रायः लोप हो जाता है। ढेर आत्माएं चली जाती है शांति धाम, फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए, भक्ति करते आए हो। अब मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम, इससे तुम पद्मा पद्म भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहां तो सब सुख है, बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए हैं। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब गंवा दिया, तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का कितना यह वंडरफुल खेल है, यह फिर भी होगा, अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी वेल्दी रहते हो। यहां मनुष्यों को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वह भी एक जन्म के लिए। तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्च होता है, एक नया पैसा भी नहीं। देवताएं एवर हेल्दी है ना, तुम यहां आए हो एवर हेल्दी बनने के लिए। एक बाप के बगैर सर्व को एवर हेल्दी और कोई बना न सके। तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी तुम संगम पर हो। बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने न आए तो देवता बन न सके। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया। गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांति में रहो और बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, विकर्म विनाश कर, स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है, देवी गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट करने वाले नंबर वन विशेष आत्मा भव। विस्तार है, सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर वन बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना जानना याद रहता है, ऐसे स्वयं को उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान, मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो तो नंबर वन विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन, बुराई की रेस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।